राजधानी दिल्ली में हाल ही में कुछ पुलिसकर्मियों की तस्वीरें वायरल हुई थी। वायरल तस्वीरों में पुलिसकर्मी जाम छलकाते हुए दिखे। ये मामला दिल्ली के जैतपुर इलाके में एक बिल्डर के यहाँ पार्टी करने के दौरान का बताया जा रहा है। वहीं बिल्डर के यहाँ पार्टी में शराब पीने वाले 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब कार्रवाई की गई है। इन सभी पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर हाल ही में कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें जैतपुर इलाके में एक बिल्डर के यहाँ कुछ पुलिस वाले शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ हुक्का पीते हुए और कुछ खाना खाते हुए भी दिखे। वहीं सोशल मीडिया पर जब यह तस्वीर वायरल हुई तो दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के DCP राजेश देव ने मामले का संज्ञान लेते हुए 8 पुलिस वालों को पुलिस लाइन भेज दिया। DCP ने 27 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार एक SI, 5 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इसके साथ ही इन पुलिस वालों का बिल्डर से किस तरह का गठजोड़ है, इसकी भी जांच की जा रही है। इन पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई ASI अनिल सिंह, हेड कांस्टेबल समय सिंह, हेड कांस्टेबल नमो नारायण, हेड कांस्टेबल राकेश, हेड कांस्टेबल संजय, हेड कांस्टेबल सूबे सिंह, कांस्टेबल निहाल, कांस्टेबल राजेंद्र। दरअसल पिछले कुछ महीने से CBI लगातार अलग अलग मामलों में दिल्ली पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर रही है। कोई जबरन वसूली में तो कोई घूस लेने के मामले में अरेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले एक मीटिंग ली और ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था। हाल ही में CBI ने रिश्वतखोरी के 2 अलग अलग मामलों में दिल्ली पुलिस के एक उपनिरीक्षक और 2 हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। पहले मामले में हौज खास थाने में तैनात उपनिरीक्षक युद्धवीर सिंह यादव को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के लिए गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे मामले में पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में तैनात हेड कांस्टेबल सुधाकर और राजकुमार को कुल 50,000 रुपए की रिश्वत राशि में से 10,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।